जिला उद्यमी संघ ने की बैठक, सरकार और बियाडा की नीतियों पर जताया दुख। बक्सर में जिला उद्यमी संघ की एक बैठक का आयोजन स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। इस दौरान उद्योगपतियों ने यह कहा कि सरकार तथा बियाडा के द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। इतना ही नहीं, बैंकों के द्वारा भी सहयोग नहीं मिल रहा। अब तो औद्योगिक इकाइयों को कैंसिल करने की नई परंपरा की शुरुआत हो गई है, जिससे कि उद्योगपतियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र को संवारने में गुजार दिया है और अब अगर उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है तो निश्चित रूप से उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। फिर भी यदि सरकार उन्हें हटाना चाहे तो उन्हें औद्योगिक इकाई स्थापित करने में लगी हुई पूंजी वापस कर सकती है। सुनिए क्या कहा उद्योगपतियों ने। जिले के तमाम बंधुओं को क्रिसमस के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और कुछ बातें जो हैं वो हमारे महासचिव जी हैं कश्यप जी, ये आपको बताएंगे। आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए विशेष बातें ये आपको बताएंगे। कि बियाडा की औद्योगिक नीति के चलते हमारे अध्यक्ष महोदय को हार्ट अटैक तक आ गया है। इसकी जितनी उत्पीड़न नीति चल रही है, यहाँ के तमाम उद्यमियों को सिर्फ कोई सुविधा और कोई सहूलियत और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एकमात्र बियाडा का कार्य पद्धति बन गया है। अधिक से अधिक पुराने उद्यमियों को कैंसिल किया जाए इकाई का और उनसे ज़मीन वापस लेकर के फिर नए रेट पर नए लोगों को दे दिया जाए। बिहार के औद्योगिकरण के लिए जितना प्रयास नए उद्यमियों को बाहर से लाने के लिए किया जा रहा है, उसका 50% भी प्रयास अगर यहाँ के पुराने बिहार के पुराने उद्यमियों को सहयोग दे करके किया जाए, इनको इनकी समस्याओं का निदान किया जाए, क्योंकि इनके पास सारे औद्योगिकरण के लिए ढांचा मौजूद है, मशीन उपलब्ध है, मशीन का भवन उपलब्ध है, उद्योग चलाने का अनुभव उपलब्ध है, और अगर इसका उपयोग औद्योगिकरण में कर दिया जाए तो काफ़ी तेज विकास होगा। के कश्यप, हमारा यूनिट कैंसिल कर दिया गया है और वो कैंसिल तब हुआ है जबकि ऑफ सीजन था और जून जून में जो बरसात का सीजन है उस समय धान उपलब्ध नहीं होता है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी धान के सीजन है और मशीन स्थापित है, धान भी रखे हुए हैं, लेकिन चलने का आदेश अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरा कारखाना नहीं चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि 2-4 करोड़ लगा करके अपना बिल्डिंग खड़ा किए, मशीन स्थापित किए, एक पैसा सरकार से कहीं सहयोग नहीं मिल रहा है। हम अपने संसाधन से मशीन बिल्डिंग सब खड़ा किए हैं और सरकार उसको कैंसिल कर दी है। अब पियाडा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि अगर सीजन है, सीजन में अगर हमारे अनुमति हो जाता तो मैं कारखाना चलाता। अब तो सीजन फिर 2-3 महीने का सीजन बिजनेस है, हम समझ नहीं देते हम करें तो क्या करें। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा लागत खर्च अगर मिल जाए तो हम कारखाना छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम इतना केस मुकदमा दुनिया के चक्कर में हम लोग जी गए तो कारखाना क्या चलाएंगे हम। इसलिए हमारा यही अनुरोध है पियाडा से कि कम से कम हम लोग को जो लागत खर्च है अगर मिल जाए तो हम छोड़ देंगे। ऐसे जिंदगी में जो हमारा उम्र जो है 70-73 साल का हो गया है, केस मुकदमा के चक्कर में दौड़ने से ये कारखाना चलने वाला नहीं है। हम सीओम फूड प्रोडक्ट के प्रोपराइटर विश्राम द्विवेदी बोल रहे हैं। जैसे मेरा ही ले लीजिए, हमको जमीन अलॉट हुआ 3,000 स्क्वायर फीट, 4 लेन में 50% जमीन एनएच में चली गई। 4-5 साल से हम लोग 4 लेन के तोड़ फोड़ से त्रस्त हैं। उसके बाद अपना बिल्डिंग को बना करके आप चालू करने के चक्कर में है, तब तक कैंसिलेशन हो गया। क्योंकि डीओ साहब आए थे तो हम उनसे बोले थे कि सर हम बिजली का कनेक्शन और जीएसटी सारा ले चुके हैं, करंट अकाउंट खोल चुके हैं, अब सर हम चालू करने के पोजीशन में है, हम 15 दिन के अंदर में चालू कर देंगे। डीओ साहब बात भी हुआ, बोले कि ठीक है, और यहाँ से गए और मेरा 11 तारीख को कैंसिल हो गया। तो अब चालू क्या करें हम लोग, तो केस मुकदमा और
कोर्ट कचहरी और आईडीसी के चक्कर में फंसे हुए हैं, अब क्या चालू करें और क्या करें, क्योंकि हम लोग तो हमारा 97 का अलॉटमेंट है। उस समय डीओ थे अशोक सिंह जी, वो बोले कि इसमें आप 3000 स्क्वायर फीट जमीन है, इसमें काम बिल्डिंग बनाने का काम कीजिए, वर्कशॉप बनाइए और आगे आपको हम जमीन देंगे, उसका लिखित आश्वासन हमको दिए। पिछले हम 20 वर्षों से बार बार लेटर दे रहे हैं कि हमको जमीन मुहैया किया जाए, जमीन मुहैया किया जाए, क्योंकि आज तक जमीन नहीं दिया गया। बाकी फोर लेन में जो थोड़ा बहुत बचा था वो चला गया फोर लेन में, अब थोड़ा सा जमीन बचा है उसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं। एकदम विफल है हम लोग की तरफ, सरकार का चाहे किसी का, हम लोग की तरफ कोई सहयोग सहयोगात्मक रवैया ही नहीं रहा पुराने से लेकर नए तक। जो आज मेरे पिताजी भी 40 वर्ष से हैं यहाँ, उनको भी कोई सुविधा नहीं मिला, बैंक से कोई सुविधा नहीं, जो भी वर्क करना है कार्यशील पूंजी कर रहे हैं, अपने घर से अपना पूंजी लगा करके जमीन बेच के हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई आते हैं कैंसिल कर देते हैं। आपका दुख नहीं समझ रहे कि आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं। 2 साल से कोरोना हुआ, कोरोना में सारा देश परेशान है, सारा लोग को सुविधा दिया जा रहा है, उद्योगपति हो चाहे बड़े बड़े उद्योगपति को सरकार सहयोग दे रही है और उस कह रही है कि आप फिर से खड़े हुए, और हम लोग को खड़े होने का काट के फेंकने के चक्कर में है लोग। संतोष कुमार सिंह, प्लस औद्योगिक नीतियों को लेकर बहुत लोचा है आज की डेट में सभी लोग। जैसे मान करके चलिए 125 यूनिटें हैं तो मान करके चलिए 100 यूनिट तो यहां कैंसिल हो चुकी, पर सर्विस सेक्टर के नाम पर लोग अलॉट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही अपनी यूनिट जो फार्मास्यूटिकल की थी, जो उसको मैं कह रहा हूं कि मेरे को सर्विस सेक्टर में दिया जाए, उसको दिया नहीं जा रहा है। मैं 2013 से ही अप्लाई किया था कि मेरे को सर्विस सेक्टर दिया जाए, वो आज तक नहीं मिला। मेरे पिताजी के नाम से वो अलॉट था, वो पिताजी अपने बच्चों को दे दिए कि 2018 में भी मैंने दिया कि ट्रांसफर कर दिया जाए मेरे बच्चों को, ताकि आगे का कार्यभार ये देखें। वो चीज अभी तक नहीं हुआ और आज कैंसिलेशन की बाहर में मैं भी नफ गया। कैंसिलेशन का कोई कारण भी बताया जा रहा है, कैंसिलेशन के कारण के हमारी नीति में नहीं है, हमारी नीति में नहीं है। तो नीति में जो चल रहा है तो वो तो देने को तैयार नहीं है। एमएसएमई सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है उसमें तो है, बिहार की उद्योग नीति है उसमें है, लेकिन बियाडा कह रहा कि मेरी नीति में नहीं है, ये क्या भाई? अब मतलब तो बियाडा जो कह रहे कि हमारी नीति में नहीं है, बिहार सरकार की नीति में है। हम चाह रहे हैं कि हम सर्विस सेक्टर में जाकर के उसमें हॉस्पिटल करें वगैरह वगैरह करें जो सर्विस सेक्टर के हैं। तो क्या लगता है कि बियाडा को नीतियों का ज्ञान नहीं है या फिर बियाडा को नीतियों के भली भांति ज्ञान है, लेकिन वो उन लोगों का एक अलग ट्रैक है और बिहार सरकार का अलग ट्रैक है, उसमें सामंजस्य नहीं। उसका खमियाजा है, उसका खमियाजा यहाँ के उद्यमी। हम लोग विगत 40 साल से 35-40 साल हो गया हम लोग इंडस्ट्री एरिया में आए हुए, मैं क्या मेरे पिताजी आए थे, अब खमियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। बाध्य किया जा रहा है कि नहीं, हम जो दिए हैं उसी पर ही काम कीजिए, ऐसे तो होगा नहीं। सरकार के जो वादे होते हैं लंबे चौड़े और इतने सपने दिखाए जाते हैं कि हम लोग औद्योगिक हब बना देंगे, वो सब फेल है, वो सारा चीज फेल है। नए लोगों को फंसाने के, अब नए लोगों को बुलाने के लिए क्या क्या, आज देखिए सब जवाब तो बहुत दिखलाया गया, तो 1976-78 से ही हम लोगों को भी दिखाया गया, हम लोग को भी दिखलाया गया, यानी कि हम क्या, हमारे पिताजी को दिखलाया गया कि आइए आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, मार्केट मुहैया कराएंगे, आपको रॉ मटेरियल देंगे, ये कुछ भी नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ पर दिया क्या इन्होंने, आप लोगों ने जीवन खपा दिया, हमारे गार्जियन लोगों ने 35-40 साल से यहाँ तक खपा ही दिया। मैं भी अपनी लाइफ को जी चुका हूँ यहाँ पे यहीं पर, अब ऐसी स्थिति समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मेरा नाम मानेंद्र मोहन ओझा उर्फ मुन्ना ओझा, प्रोपराइटर जो हमारी यूनिट के हैं श्री सुधामा ओझा, उनके मैं लड़का हूं।